ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दोस्तों आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका यूट्यूब चैनल है और आप वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं, यानी अपना कंटेंट डालते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो डेफिनेटली अगर आप एक नए क्रिएटर हैं या आप कुछ टाइम पुराने क्रिएटर हैं, यानी कि लगभग अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम आपका लगभग कंप्लीट होने वाला है या हो गया है, फ्रेंड्स उन सभी को ये एक मेल आया, सुबह सुबह एक मेल आया है, जो कि आई होप कि आपको मिल भी चुका होगा। और दोस्तों इस मेल का आपको यहाँ पे समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन बन चुका है और बहुत सारे लोगों ने मेरे को भी मैसेज किया कि आखिर में ये क्या चीज़ आ गई, ये कौन सी चीज़ है, उस चीज़ को लेकर वो परेशान होने लगे कि आखिर में 30 दिन में क्या हमारे को कंप्लीट करना है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम। तो फ्रेंड्स ये सारे जो क्वेश्चन है आपके माइंड में, ये सब चीज़ पूरी क्लियर करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, तो सब कुछ बिल्कुल ध्यान से समझना। तो फ्रेंड्स पहले क्या होता था कि जब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम का जो टास्क नहीं था, यानी कि जब ये टास्क नहीं दिया जाता था, कि तब उस टाइम में पहले ही लोग क्या करते थे, चैनल क्रिएट करते ही। और देखिए ज़रूरी नहीं है कि ये चैनल 1 साल 2 साल, ऐसा नहीं है। ये अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर 5-6 साल पहले भी अगर आपने चैनल क्रिएट किया है और उस टाइम पे आपको पता ऐसी कंडीशन नहीं रहा करती थी, डायरेक्ट आपने चैनल बनाया, चैनल बनाते आप एडसेंस के ऊपर आप सीधा साइनअप कर पाते थे। लेकिन अभी जो है, अभी इंस्टेंट, यानी अभी इस टाइम पे क्या होता है कि आप जब तक आपके पास में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं होता, तब तक आप YT एडसेंस को आप जो है साइनअप नहीं कर सकते। यानी कि जो यूट्यूब का यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम है YPP, इसको आप साइनअप नहीं कर सकते जब तक आप उसके एलिजिबल नहीं होते हो। अब बात यहाँ पर आती है कि जिन लोगों ने पहले ही अपना एडसेंस अकाउंट बना रखा था, तो एडसेंस अकाउंट बना तो लिया, लेकिन क्या होता था जैसे वो मोनेटाइजेशन टैब में देखते थे तो उनको वहाँ पे हमेशा डिसेबल दिखाता था। अब वो इस बात को लेके परेशान होते थे कि मेहनत करें या ना करें, काम करें या ना करें, क्या करें और क्या करें, तो इस तरीके से लेकर वो बहुत परेशान होते। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यूट्यूब ने यही चीज़ क्लियर किया है कि सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पे ये बता दूं कि जिनका मोनेटाइजेशन टैब में डिसेबल दिखता है उनके लिए तो समस्या हो गई खत्म, यानी कि वो जो डिसेबल था अब वहाँ से आपका हट जाएगा वो सारी चीज़ें, और अब आपके पास में इस तरीके की कंडीशन तब आएगी, यानी कि वहाँ पे अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जो आपका टास्क है, यानी कि आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हुआ नहीं और आपने अप्लाई कर दिया, तो आपको वहाँ पर डिसेबल दिखाता था, लेकिन अब यूट्यूब ये बोलेगा कि आपको जब तक ये आपका टास्क कंप्लीट नहीं होता है 1000 सब्सक्राइबर का, 4000 घंटे का वॉच टाइम का, तब तक आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, यानी वो डिसेबल की समस्या तो खत्म हो चुकी है। तो आई थिंक आप सब समझ चुके हैं कि आखिर में जो भी आपने पहले ही एडसेंस बना लिया था और आपको वहां पे डिसेबल दिखाता था, तो वो डिसेबल का प्रॉब्लम खत्म। वो इसलिए था क्योंकि जब आप एलिजिबल ही नहीं थे लेकिन आपने फिर भी एडसेंस को साइन अप कर लिया था, तो उस केस में आप उसको हटा दिया जाएगा। अब वो चीज तब कर पाओगे आप जब आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होगा, तो डेफिनेटली आप दोबारा आप कर पाओगे। अब बात यहाँ पे करते हैं कि जो 30 दिन की वाली जो बात है, अब 30 दिन को लेके भी लोग परेशान हो रहे हैं, क्या 30 दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स इस चीज़ को आपको यहाँ बहुत अच्छे से समझना है। अभी हुआ क्या है कि जिन लोगों ने कुछ टाइम पहले अपना मोनेटाइजेशन के लिए, यानी कि YPP प्रोग्राम के, यानी YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए उन्होंने अप्लाई किया, और लेकिन किसी वजह से उनके पास में जो 1000 सब्सक्राइबर तो मान लीजिए पूरा हो गया, लेकिन जिनका वॉच टाइम वो घट गया, जैसे कि अभी मेरे को कल एक मेरे सब्सक्राइबर ने बताया कि मेरे 300 आवर्स मेरे पूरे हो चुके थे, लगभग 4000 पूरे हो चुके थे, लेकिन अभी मैंने देखा अप्लाई करने जा रहा था तो पता चला कि 300 कम हो गए। तो इस केस में यहाँ पर YouTube ने यही साफ बोला कि आपको 30 दिन का टाइम दिया जा रहा है, अगर 30 दिन के अंदर अगर 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर आपके पूरे हो जाते हैं तो आप जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं और आपका चैनल मोनेटाइज होगा। अदरवाइज अगर कहीं भी कम हुआ, यानी 4000 घंटे से वॉच टाइम कम हुआ, जैसे मैंने बताया कि मेरे सब्सक्राइबर का 300 घंटे कम हो गए, तो यानी कितने बचे, 3700 घंटे बचे, तो उस केस में उनका डिसेबल कर दिया जाएगा। तो यानी एक महीने का, यानी 30 दिन का टाइम दिया जा रहा है, अगर इन बीच में अगर टास्क पूरे हो गए तो ठीक है, और नहीं हुए तो उसको हटा दिया जाएगा, उसको अमान्य कर दिया जाएगा, वहाँ से हटा देंगे। उसके बाद में अगेन आप दोबारा अप्लाई कर पाओगे जब आपका ये टास्क सारा कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो
30 दिन के बाद हो चाहे चार मतलब आप मान लीजिए 35 दिन में हो जाए या 40 दिन में हो जाए तो डेफिनेटली वो आप दोबारा अगेन अप्लाई कर सकते हो। तो आई की फ्रेंड्स आप समझ चुके हैं कि आखिर में ये जो मेल आया है सभी को, ये सब नए क्रिएटर्स को आया है। नए क्रिएटर्स के साथ साथ जो पुराने क्रिएटर्स थे जिनके 5 साल 6 साल पहले उन्होंने बस एडसन को साइनअप करके रख लिया था, उन सभी को आया हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि एडसन जो है कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो ऐसे वाले अकाउंट्स को सबको हटा रहा है। जायज है भाई, फायदा क्या, वो एडसन बना के रखने से फायदा है कि आपको वहां पर डिसेबल दिखाएगा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट चीज है। तो बाकी दोस्तों ये था यहाँ पे एक एडसन का अपडेट, आई होप कि आप समझ चुके हैं क्या है पूरा मामला और पूरा क्या है केस। तो बस एक मेरा यहाँ पे पर्सनल सजेशन यही है कि जब आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाए तो 4000 पे मत अप्लाई कीजिए, ट्राई कीजिए कि 4500 हो जाए, 4200 हो जाए, 4300 हो जाए, मतलब 100 200 300 आपके घंटे ज़्यादा ही हो। क्योंकि मान लो किसी वजह से अगर डाउन हो जाता है तो ये ना हो कि पता चला वहाँ पे अंडर रिव्यू में और यहाँ पे आपके वॉच टाइम ही कम है तो वो डिसेबल हो जाएगा, यानी वो उसको हटा देंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसलिए आप ट्राई करें, जब 4200 4300 4500 घंटे हो जाए तब अप्लाई करें आप, तब वहाँ पे आपको फायदा होगा। तो आई भी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, दोस्तों फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात की कितने टास्क हो गए आपके पूरे और क्या आपको ये मेल आया या नहीं आया, दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बस एंड फ्रेंड दोस्तों इतना ही, चैनल पर नए चैनल पर ले सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम की आईडी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी डायरेक्ट जाकर फॉलो की, डायरेक्ट मुझे मैसेज कीजिए, फिर भी कोई कंफ्यूजन है सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो फ्रेंड जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।